ट्रिपल एच जल्दी ही सेथ रोलिंस के लिए WWE SummerSlam का नया मैच अनाउंस कर सकते हैं। तो रिसेंटली रिडल को स्टोरीलाइन इंजरी के कारण टीवी से हटाया गया है। सेथ रोलिंस ने SummerSlam के लिए कैंसिल हुए अपने मैच को लेकर एक ट्वीट किया और फैंस से माफी मांगी है। और ट्रिपल एच ने सेथ रोलिंस के मैसेज पर अपने रिएक्शन दिए और इससे हिंट मिल रहे हैं कि सेथ रोलिंस के लिए नया मैच बनाया जा रहा है। तो डेम मेडजन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सेथ रोलिंस और रिडल के बीच के मैच को क्लैश एट द कैसल के लिए टाल दिया गया है। इस ट्वीट से मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है जिसमें ट्रिपल एच खुद को बेबीफेस बना रहे हैं और आपसे मैच छीनकर आपको दुखी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद ट्रिपल एच आएंगे और नया मैच लाकर फैंस को खुश करेंगे। जिसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो थी, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।